तो सभी भाइयों को राम राम। आज की वीडियो भाई बाइसेप मारेंगे आज, और विनय भाई के साथ मारेंगे, विनय भाई के साथ वर्कआउट करेंगे, हमारा सौभाग्य है बहुत बड़ा। और देखो बाइसेप दिखा दो भाई को, ये देखो भाई कितना तगड़ा बाइसेप है, विदाउट पंप है भाई ये भाई हमेशा गेनिंग पे ही रहते हैं, और इनके साथ मारेंगे, चलते फिरते साण है ये, ठीक है। तो प्री वर्कआउट ले लेते हैं, क्योंकि बिना प्री वर्कआउट का ये नहीं मार पाते भाई, क्योंकि ये कीड़े हैं बहुत बड़े। चलो भाई प्री वर्कआउट निकालो अपना, निकालो भाई असला। कौन सा प्री वर्कआउट लेने वाले हो दिखाओ एक बार, सभी भाइयों को दिखाएंगे। ये वाले लोग, ये भाई ये लेंगे, देखो इमोर्टल का ये एक्सट्रीम, बहुत हैवी प्री वर्कआउट है भाई। चल भाई बना पैक, बना पैक। तो भाई ने प्री वर्कआउट बोल लिया भाई, अरे मेरी जान, दिखा दे एक बार, दिखा दे। ये मिक्सी चल गई, मिक्सी पी जा अभी से, ऐसा ये तो अभी से पंप मार रहा है लौंडे विनय ठाकुर। और मुझे लिए तो बचा दे मेरे लिए, अरे यार थोड़ा और मिला, खत्म कर दे तूने यार। और ये अन्य ठाकुर का प्री वर्कआउट, तो विनय भाई ने बना दिया भाई प्री वर्कआउट, ठीक है भाई। मैं बताऊं हर पीढ़ी में ना एक ना एक बंदे ने मेहनत कर रखी है, और वो आज उसकी आने वाली पीढ़ी बैठे हैं, चाहे वो बनिया हो चाहे कोई भी सही। टेस्ट बहुत गंदा भाई प्री वर्कआउट का, मजबूरी में पीना पड़ता है। चलो भाई अब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेट लगाएंगे हम बार बार कल, और देखते हैं विनय भाई है भी मारेंगे हम, ठीक है भाई। मैं तो मार नहीं पाऊंगा, विनय बहुत तगड़ा है, चलो फिर भी देखते हैं। आ जा भाई, आ जा देख ला, पता ही पड़ जाएगी कौन तगड़ा है भाई। दस दस का वेट मार दिया है, चल भाई आठ रैप मार। वार्म अप हमने कर लिया, और वार्म अप अपने वीडियो में नहीं दिखाया भाई, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी। तो भाई दस दस किलो कितना इजी लग रहा है, हट जाओ हट जाओ, और तगड़ा लग रहा है भाई। आठ रैप भाई, मुझे तो हैवी लगा भाई, बिना भाई की होड़ थोड़ी हो रही है, आठ रैप में अस्तेजी होगी हमारी। तो चलो भाई ये कर दिया दोनों तरफ पंद्रह पंद्रह, विनय भाई बहुत तगड़े हैं भाई, बहुत तगड़े। चल एक दो तीन, चल चार, दो और मार पांच, एक और ले। अब बहुत इजी, दिखा दे एक बार भाई सर, भाई साहब सही है भाई, सही है, ये भी था। मेरे पे नहीं लगेगा भाई, लग जाएगा। क्या कह रहा है, ये भी था, चल ठीक। अन्नू ठाकुर लगा रहे हैं एक, चल बहुत तगड़े, दो इजी है, तीन चार, अरे बहुत इजी जा रहा वेट, झोटा हो रहा खा के अन्नू, पूरा दिन चढ़ता ही रहता है भाई। साहब दिखा दो भाई साहब, भाई देखो भाई। तो भाई 20 किलो वेट हो गया दोनों तरफ, 20 इस तरफ है और 20 इस तरफ है, कितना हो गया 40, और 10 8 10 किलो की तो रोडी होगी, 50 केजी समथिंग मान लो। चल भाई विनय जितने लगे मार दे, झोटा विनय, चल एक दो तीन चार और अब पांच और छः, चल सात, चल आठ। भाई देखो मेरे बस की तो है नहीं आठ मारना, विनय तगड़ा भी ना मार सकता है, ठीक है। 17-17 इंच के बाइसेप लेके बैठा है, चलो हम भी ट्राई करेंगे जितने लग जाए। पोजीशन बिगड़ सकती है क्योंकि वेट है भी है, यूँ मत कहना कि भाई कैसे मार रहा है, ठीक है ना, लोअर बैक मुड़ सकती है थोड़ी सी। तो चलो भाई, और अब बारी है अन्नू ठाकुर की। तो भाई नंबर आ गया हमारा, आप देखते कितनी रैप लगेंगी, जैसे पहली बार मारूंगा इतना वेट भाई, ठीक है। एक दो इजी, तीन लाइट वेट है, चल लाइट है, चल चार, कोई नहीं तगड़े हैं, तगड़े हैं, नेक्स्ट टाइम आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा। पोजीशन बिगड़ गई है, ठीक है, चार लग गए भाई मेरे पे। तो देखो चार ही रैप लगे, विनय तगड़ा है, विनय ने आठ रैप मार दिए,
और एक बात और, मेरे ना लोअर में बहुत ज़्यादा दर्द है क्योंकि मैं डेड मार रहा था 180 की, और 180 की डेड में मेरे लोअर पे आ गया, तो इसलिए थोड़ी सी इंजरी थी। तो बारबल मार रहा था, हैवी थी, और हैवी के चक्कर में लोअर पे मेरे जोर ज़्यादा ही आ रहा था, तो इसलिए मैंने 4 रैप मारे। और नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा तो 8 देखो लग जाए कि लग जाए, विनय भाई की होड़ हो जाए थोड़ी बहुत छत्र छाया में विनय भाई की रह के। विनय झोटा हमारा तगड़ा भाई, 5 किलो दूध पीता पड़ेगा। एक बार दिखा दे सकल विनय, एक बार ये देखो भाई है झोटा। अब लगाएंगे हम प्रीचर गर्ल, ठीक है, उसमें भी हैवी मारेंगे जितना लग जाए, ठीक है, उसमें देखते हैं विनय भाई से हम थोड़ा आगे निकल जाए कि नहीं निकल पाते, कि निकल पाते नहीं। प्रीचर लगा रहे हैं प्रीचर, और 15 का वेट है, रैप 8 ही मारेंगे, ठीक है। विनय भाई तगड़े हैं भाई, ये मार सकते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत सही, दूसरे से ही मारो। आ गया मेरा 8 रैप मारने, देखते 15 से लगेगी नहीं लगेगी। 1, 2, 3, 4, 5 चल बहुत इजी है, 7 चल बहुत इजी, 8 बहुत तगड़ा है, टुटागोर बहुत तगड़ा है। हाँ दूसरे से ही मारूंगा, पर बस इतनी दिखाओ वीडियो में। 20 का डंबल ले लिया भाई प्रीचर पे, विनय साढ़ चल है झोटे, 1 और 2 मार जितनी लगे तेरे पे, 3 चल, 4 चल, 5 चल, 6 चल 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 चल, 7 बस 7 चल, ठीक है दूसरे से लगा। बस वीडियो रोक रहा हूँ, ज्यादा लंबी नहीं कर रही। मैंने भाई ने मारे थे 7 रैप, अब मैं देखता हूँ मेरे पे कितने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक भी नहीं उठेगा भाई, हैवी है डंबल। चलो 1, 2 भाई इजी, 3, 4 5 6 7 कर दिया ठाकुर ने, विनय की होड़ करी है बराबर 7, पर फटक चुकी है नीचे से, 4 तबा फटी है, इससे ही मारेंगे बस। तो भाई वो प्रीचर हो गई है और फट चुकी है बहुत ज्यादा। मैंने तो विनय के साथ वर्कआउट करके आज यूं पछतावा हो रहा है कि भाई किसके साथ, किसे टक्कर दे दी मैंने, चैलेंज किसे दे दिया विनय ठाकुर को। और पीछे लड़का देख रहे हो ब्लैक में, ये हमारे जिम का सबसे मॉडल लड़का है, स्मार्टी लड़का है, और इससे बड़ा मॉडल दिखाऊं तो मैं, वो पीछे बैठा बेंच पे बैठा हुआ है, वो सबसे बड़ा मॉडल है, ठीक है भाइयों। तो इन्हें देखते देखते मोटिवेट होते हैं। हाँ विनय भाई बताओ क्या कह रहे हो, क्या लगाओगे? कंसंट्रेशन लगाएंगे भाई, इसमें हैवी वेट नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हैवी वेट लगता ही नहीं है, तो कंसंट्रेशन मारेंगे हम आर्नोल्ड स्टाइल में, जैसे आर्नोल्ड मारते थे खड़े होके, तो ऐसे ही मारने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ऊपर होल्ड करके 4, 5, 6 ये वाला सेट ऐसा ऐसे मारो स्वाद ले लेके खाने की तरह। ओ तगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं भाई, है मैंने भाई तगड़े हैं, तगड़े हैं, चलो ठीक है। तो भाई प्रीचर हो गए थे हमारे, अब आ गए हैं बॉक्स रोड पे हैमर, और विनय भाई मार रहे हैं हैमर, बहुत बढ़िया। देख रहे हो भाई कितना बड़ा सांड लग रहा है, सांड कहाँ मैं 75 किलो का और विनय कहाँ 82 किलो का, कितना फर्क है। तो भाइयों आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ, मैंने सबके एक एक दो दो सेट दिखाए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो,
और काफ़ी स्ट्रेंथ वर्कआउट किया है, आज रेपिटेशन कम मारी है और वेट थोड़ा हैवी लिया है। भाइयों साइज कैसा आ रहा है बताओ, कमेंट में बताओ साइज कैसा आ रहा है भाई। साइज तगड़ा आ रहा है भाई लड़के का, हम बता रहे हैं भाई, पब्लिक क्या बताएगी, हम बता रहे हैं। विनय भाई तगड़े हैं और नेक्स्ट देखो कौन सा वर्कआउट करते हैं और किसके साथ करते हैं, किसके साथ अब सौभाग्य मिलेगा हमें वर्कआउट का, क्या पता विनय भाई के साथ ही दोबारा मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी भाई।